हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रखी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। चिकन मेरे पास 1 kg है। ये 1 kg चिकन मैंने ऑयल में डाल दिया और अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। चिकन को बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें स्मेल ना रहे। अब आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगी। और फ्राई होने के बाद अब चिकन कुछ इस शक्ल में आ गया है, तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी और उसके बाद ये 4 टमाटर डालूंगी। और अब मैं 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेती हूँ। ये मैं 1 स्पून इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो भी 1 kg है। इसके बाद मैं चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भुने हुए और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया और साथ ही मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल दी है। और अब इसके बाद ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद सूखा धनिया डालूंगी मैं, ये है 1 चम्मच सूखा धनिया। इसके बाद मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ और मैं हमेशा घर के मसाले यूज़ करती हूँ खाने बनाने के लिए। और इसको अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये 4 टमाटर हैं जो मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं और अब टमाटर के साथ इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो टमाटर अब थोड़े से पक गए हैं, तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और इसके बाद इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ढक कर रखने के बाद 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसका ढक्कन जब उतारा है तो इसके अंदर टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और मैंने इसको अब अच्छे से भूनना है। और भूनने के बाद अब इसमें जब ऑयल छोड़ दिया है तो इसकी आंच मैंने हल्की कर दी है और अब मैं इसमें डालूंगी दही। तो यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है और अब इसको अच्छे से बीट कर लिया। अब मैं दही को चिकन में डाल रही हूँ। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप दही डाल रहे हैं तो आपको चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है क्योंकि तेज़ आंच पे दही फौरन फट जाता है। दही डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो अब चिकन की ये लुक है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाने के बाद अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं और यहाँ मैंने 4 से 5 अदद मिर्चें कट करके रखी थी और अब मैं ये डाल रही हूँ सालन में और अब मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। हरी मिर्चें डालने के 2 मिनट के बाद सालन जो है वो बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और इसके बाद सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी चिकन कढ़ाई पक के रेडी हो चुकी है। तो ये इसकी फाइनल लुक है और अब मैं आपको इसको खा के टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।